गोरखपुर मुख्यालय के दशांचल के खजरी थाना क्षेत्र में बरसों पुराने एक प्रकाशन हाउस से मुद्रित पुराण के प्रकाशन पर पंडित जगदम्बा पांडे ने साक्ष्य प्रस्तुत कर हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ग्राम सभा तरसड़ निवासी जगदम्बा पांडे ने SSP को लिखित तहरीर दी थी। उसी तहरीर आधार पर इंस्पेक्टर खजरी ने जगदम्बा पांडे को थाने पर बुलाया। इस दौरान जगदम्बा पांडे ने अपना साक्ष्य प्रस्तुत प्रकाशन हाउस पर मुकदमे की मांग की। गीता प्रेस के खिलाफ गीता प्रेस ने भारतीय सांस्कृतिक खंडन किया है, हिंदू समाज को भ्रमित किया है, हिंदू समाज में अश्लीलता परोसता है। अपने पुराणों में उसने इतनी अश्लीलता डाली है जिसकी कोई बात ही नहीं। हमको भ्रमित किया है, हिंदू समाज को भ्रमित किया है और हिंदू समाज को नपुंसक बनाने का कार्य किया है। जैसे भागवत पुराण में लिखता है कि वहाँ की स्त्रियाँ बड़ी सुंदर वेशभूषा में थी और वो उनके भारी भारी नितंब थे, धीरे धीरे चल रही थी, उनकी वक्षस्थल बड़े 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 थे, कमर पतली थी स्वाहा। ऐसी मंत्रों से ये हवन करवाते हैं। इन्होंने कहा, इनके द्वारा प्रकाशित ब्रह्मवेत्त पुराण में इन्होंने कहा कि बेटा देवताओं की संख्या 3 करोड़ है। इन्होंने वेद कथांक में कहा देवताओं की संख्या 33 करोड़ है, लेकिन नाम नहीं बताया। इन्होंने अपने बृहदारण्य कोपनिषद में लिखा कि देवताओं की संख्या 33 है, जिसके नाम उन्होंने 8 वसु 12 आदित्य 11 रुद्र 2 प्रजापति। क्या नाम पड़ेगा आपको? जगदम्बा पांडे। कहाँ के रहने वाले? तड़सर।